सो हे गाइस व्हाट्सअप, आज एक खुशी का दिन है। मेरा एक दोस्त ने डोमिनर उठाया है, 2022 का न्यू मॉडल है, बहुत खूबसूरत दिखता है, ओरोरा कलर का उठाया है, दिखने में बहुत शाइनिंग है, बहुत खूबसूरत है। और इसमें 2022 में बहुत कुछ अपडेट हुआ है गाड़ी में, जो कि आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। मैं आपको पूरा वीडियो में दिखा दूंगा कहाँ पे क्या क्या है, क्या अपडेट हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है, क्या प्राइसिंग बढ़ा है, हर एक चीज़ का मैं अपडेट दूंगा। कैसे कि हमको डिलीवरी मिली, कहाँ से उठाए हैं, हर एक चीज़ आपको मैं बताते रहूँगा। बने रहिए पूरा मेरे साथ वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ। और आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड्स। चलिए फटाफट बिना देरी किए देखते हैं हमारा न्यू गाड़ी को। स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल से। ये है इसका कंसोल, दिखने में बहुत शानदार है, पहले जैसा। ये 2029 मॉडल से अभी तक का जो भी है, दिखने में सब कुछ सही है, सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस इसमें एक चीज़ डिसअपॉइंट ये करता है कि गियर इंडिकेटर यहाँ पे दिखाता है, लेकिन ये इतना भी फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये इतना हमको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। सामने ये स्विच दिया हुआ है, ये अप बीम हाई बीम है, यहाँ पे इंडिकेटर है, और यहाँ पे हॉर्न स्विच प्रीटी लाउड है, सुन लीजिए साउंड, बहुत लाउड है साउंड। और यहाँ पे इंजन किल स्विच है, ऑन ऑफ कर सकते हो, स्टार्ट करने का बटन है, और यहाँ पे लाइट ऑन करने का और बंद करने का सिस्टम दिया हुआ है स्विच। तो यहाँ पे है ये प्रीटी मच ऊपर का, यहाँ पे पास लाइट दिया गया है, आप लोग को दिख रहा होगा ये पास लाइट है। पहली चीज़ मुझे ये नोटिस हुआ कि यहाँ पे ये नकल गार्ड मिल रहा है, ये नकल गार्ड अभी पहले के मॉडल में नहीं आता था, लेकिन 2022 के मॉडल में ये आ रहा है। ये वाइजर मिल रहा है हमको, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और फिटिंग भी बहुत सही दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। मैं एक बार ही आपको दिन में भी वीडियो बना के दिखा दूँगा ताकि और आइडिया हो जाए। तो बने रहिए पूरा मेरे चैनल के साथ और वीडियो के साथ लास्ट तक, तो आपको पता चलता रहेगा इस गाड़ी के बारे में। यहाँ पे भी सेम चीज़, सेम नकल गार्ड दिया गया है, यहाँ पे कलरिंग भी किया गया है, बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। और ये कलर जो ओरोरा कलर है, बहुत शाइन है। यहाँ पे डोमिनर का ब्रांडिंग दिया गया है, यहाँ पे 400 लिखा गया है, सब ब्रांडिंग है। सीट वाइज देखा जाए तो सीट वाइज मतलब पिछले जैसा ही है, थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा कुशनिंग नहीं है, लेकिन अच्छा है। और ये जो हमने टॉप बॉक्स, ये आउट ऑफ द मार्केट हम लगाए हैं, बजाज की तरफ से नहीं मिलता है, ये हमने बाहर से ख़रीदा है। लेकिन ये रैक जो देख रहे हो यहाँ पे, रैक अभी इंस्टॉल होके मिल रहा है। अभी ये वाला अभी मॉडल आप लेना चाहो तो 5000 आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ने वाला है। यहाँ पर अभी ऑन रोड कॉस्ट हमको 2,56,000 कुछ पड़ा है। हम ओडिशा से, बरमपुर सिटी से हम लोग ये बाइक को उठाए हैं। यहाँ पर एग्जॉस्ट ऐसे दिखने मिल जाता है, और ये एलईडी लाइट ऐसे दिखने को मिलता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इंडिकेटर लाइट भी कैसे दिखने को मिलता है। दिस इज़ हाउ द इंडिकेटर लुक्स। ये भी एलईडी लाइट ही है, टेल लैम्प भी एलईडी लाइट ही है, तो बहुत प्रीमियम लगता है ये दिखने में। यहाँ पे हमारा नंबर प्लेट लग जाएगा जब आ जाएगा गाड़ी, आज ही हम उठाए हैं। और ये जो रैक अभी आप लोग देख रहे हो, ये पहले नहीं आता था तो अभी दे रहे हैं। और यहाँ पे इस रैक में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे होल, यहाँ पे अभी कुछ आपको ट्रेल बैग वगैरह लगाना है इस सीट में रख के, आप ट्रेल बैग वगैरह भी माउंट कर सकते हो। बहुत अच्छे से ये लोग रैक को भी दिए हुए हैं ताकि आपका टॉप बॉक्स भी लग जाए और आपका ट्रेल बैग भी यहाँ पर बैठ जाए। तो ऐसे बहुत कुछ ये लोग ध्यान में रखते हुए अपग्रेड किए हुए हैं। और यहाँ पे और एक अपग्रेड भी मुझे नोटिस हुआ, यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे ये वाला क्रैश गार्ड, तो पहले क्या होता था इतना ही आता था ये वाला पार्ट, लेकिन अभी ये वाला पार्ट भी एक्स्ट्रा दिया गया है, तो ये भी एक अपग्रेड है। ये सारा चीज़ आपको सिर्फ 5000 ज़्यादा देना पड़ता है, बाकी आपको पिछले वाले मॉडल और इस वाले मॉडल से कोई डिफरेंस नहीं है, सब
सेम है, पावर वाइज वही पावर 40 bhp है, टॉर्क 35 न्यूटन मीटर है, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे ये अपग्रेड हुए हैं जो कि फिजिकली अपग्रेड हुए हैं, वही फिजिकली अपग्रेड हुए हैं यहाँ पे। और एक चीज़, ये मेटल का बेस प्लेट दिया गया है यहाँ पे, पहले फाइबर का आता था लेकिन अभी मेटल का दिया गया है ताकि आपका इंजन को थोड़ा और सेफ्टी मिल जाए। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस वही सेम ही है, 153 काइंड ऑफ सम mm ग्राउंड क्लियरेंस है। ये 320 mm का डिस्क है, पीछे 230 mm का डिस्क है दिया गया है। और ये जो व्हील है, कुछ इसका सेक्शन 110/70 है, सेम इसका पीछे का 17 इंच का ही है, लेकिन इसका 150/60 सेक्शन है और डिक्स 230 दिया गया है। डुअल चैनल ABS है, ABS को आप ऑफ नहीं कर सकते हो। चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये जो माउंट यहाँ पे दिया गया है, ये माउंट पहले नहीं आता था, अभी ये माउंट आने लगा है इस गाड़ी के इनके साथ साथ ही ये माउंट आने लगा है। तो मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा कि इस गाड़ी में क्या क्या अपडेट हमको देखने, क्या क्या अपग्रेड देखने मिला है, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ लगाया गया है 2022 मॉडल में, ये सारे मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा। आप पूरा वीडियो को देखते रहिए। ये एक जो है चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप फ़ोन को लगाए और यहाँ पे चार्ज करते रहिए। ये भी बाई डिफ़ॉल्ट गाड़ी में अभी आने लगा है, तो आपको चार्ज करने के लिए गाड़ी को लॉन्ग टूर में मैप की तो ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बेहतरीन अपग्रेड है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब लॉन्ग टूर में कहीं भी जाओ तो आपके फ़ोन में चार्ज नहीं होता है, तो आप मैप नहीं देख पाओगे, तो आपकी डेस्टिनेशन में, आपके मंजिल में कैसे पहुंच पाओगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपके पास पावर बैंक है तो दैट इज़ प्रेटी गुड एनफ, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एवरी लॉन्ग टूर। सो ये भी एक बहुत अच्छा अपग्रेड है, ये माउंट वाला भी बहुत अच्छा अपग्रेड है। ये मोबाइल माउंट हमने खरीदा है, लेकिन माउंट लगाने का सिस्टम पहले से ये लोग दे रखे थे। तो मैं अभी लास्ट में एक चीज़ कंक्लूड कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, वाइजर, नकल गार्ड, चार्जिंग पॉइंट, मोबाइल माउंट, रैक और बेस प्लेट, एंड लास्ट में ये क्रैश गार्ड का ये वाला पार्ट। तो ये सब कुछ मिला के आपको 5000 रुपये कुछ एक्स्ट्रा देना रहता है, और ये सारे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है डोमिनर 400 में। तो इतना अपग्रेड हुआ है इस गाड़ी में, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है, तो ये गाड़ी का लुक को और बेहतरीन बना देता है ये सारे लुक के साथ, ये सारी अपग्रेड के साथ। तो आप ऑब्वियसली कंसिडर कर सकते हो, मैंने गाड़ी को चला के भी देखा है, पावर वाइज सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस फिजिकली जो भी कुछ अपग्रेड हुआ है। बस इसमें दोनों चीज़ मुझे डिसअपॉइंट, एक चीज़ तो यहाँ पे गियर इंडिकेटर यहाँ पे दिखती है, और ये टैंक जो है दिखने में इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको टैंक का जो कैपेसिटी है 13 ही देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 13 लीटर ही आप लोग डाल सकते हो इस गाड़ी में, लेकिन लॉन्ग टूर के हिसाब से इससे थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था, बट गाड़ी के फीचर्स और गाड़ी के पावर के हिसाब से इट्स वैल्यू फॉर मनी, आई कैन से इट्स ए वैल्यू फॉर मनी, यू कैन कम्प्लीटली गो फॉर इट। या सो दैट्स ऑल अबाउट दिस बाइक गाइस, आपको और कुछ एक्स्ट्रा जानना हो तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को दिन में गाड़ी चला के आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा। बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हो, हमारा सामान अभी हम अंदर रख रहे हैं, मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी है, हमारी कार उधर खड़ी है, यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है, नई बाइक जो आज आई है बिल्कुल नई, देख सकते हो भाई लोग, रात में है, रात में मैं शूट कर रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि बाइक अभी आया है। यहाँ पे देख सकते हो कि हेडलैम्प भी ना रात में पूरा आपको प्रेटी मच सब कुछ दिखता है, रोड मतलब क्लैरिटी सब कुछ सही है मेरे ख्याल से, सब कुछ मुझे सही लगा। यहाँ पे नंबर प्लेट आपका लग जाएगा, अभी तक आया नहीं है, जब आ जाएगा तब लगा देंगे। तो दिस इज़ हाउ द लुक्स, रात में शूट कर रहे हैं, बारिश भी हो रहा है, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है इसलिए हम शूट कर रहे हैं। तो गाइज बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, मैं आपको होता है तो इसका बाइक को चला के थोड़ा बहुत मैं रिव्यू दे देता हूँ। दिस इज़ हाउ ऑल दिस स्टफ अबाउट दिस बाइक, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है, आपको कुछ पता है तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको इसके अलावा भी और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं
जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी आपको कमेंट करके बता दूंगा।